चला। अम्मी के बारे में सोचो जी। अम्मी हमारा इंतजार कर रही है जी, वो हमें बुला रही है। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हमारे बिना वो कैसे रहेंगी जिनू? उनके लिए जादू करो जिनू। अम्मी बुला रही है जिनू हमें, अम्मी बुला रही है। अम्मी जिनू, इस तरह बिना बताए फिर कभी मत जाना हो। माँ बीमार होना मंजूर कर सकती है, पर अपने बच्चों से अलग होना कभी मंजूर नहीं कर सकती। मैं जिसे शिकार समझ रहा था वो शिकार नहीं, जंग है। मजा आएगा, हाँ मजा आएगा। मजा आएगा। क्या हुआ जी, तुम रो क्यों रहे हो? आका मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? क्यों जिनू? क्योंकि मैं एक अच्छा दिन नहीं हूं आका, मैं एक अच्छा भाई भी नहीं हूं। जिनू ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आका तुमने मुझे सीधे घर जाने को कहा था ना, लेकिन मैं सीधे घर नहीं गया था आका। मैंने थोड़ा सा मिर्ची कालवा चुरा के अपने पास रख लिया था, पर जैसे ही रास्ते में अकेले अकेले था तो मैंने वो मिर्ची कालवा खाने की कोशिश की थी। मुझे माफ करना आका, मैं अच्छा भाई बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी खाना देखता हूँ तो न जाने मुझे क्या हो जाता है। आका मैं मोटा हूँ, मैं आलसी हूँ,
तुम मुझे वापस से चिराग में कैद कर दो आका। तुम्हारे लायक नहीं हूँ आका, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम भुक्कड़ हो। आका, मैं भुक्कड़ भी हूँ। पर मेरे भाई हो जिनू, और भाई साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। मैंने रास्ते में मिर्ची के हलवे का बर्तन गिरा हुआ देख लिया था, और मैं समझ गया था कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैं जानता हूँ जिनू, तुम डरे हुए हो, लेकिन डरते वो हैं जो अकेले होते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारा भाई। लेकिन आका, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए, अम्मी के लिए, यहां तक पूरे शहर के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए आका, मुझे खुद से दूर कर दो, मुझे वापस चिराग में कैद कर दो। मेरे लायक नहीं, मैं वो जो तुम्हारे लिए। जीवो, तुम बोझ नहीं हो, मेरे भाई हो। मैं अपनी जान दे दूंगा जीवो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम पता है, उस अंगूठी छाप के पास दुनिया की सारी ताकत होगी, लेकिन उसके पास एक ताकत नहीं है जो तुम्हारे पास है जिनू। मेरे पास? तुम्हारे पास। मेरे पास ऐसी कौन सी ताकत है आका? एक भाई की। जिनू, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, जिसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए अब मेरा फर्ज है कि मैं अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। आका, एक बात हूं। कहो। बहुत जोर की भूख लग रही है जिनू। माफ करना आका। वैसे मैं भी एक बात कहूं, मुझे भी बहुत जोर की भूख लग रही है। सच्ची? जिनू, जिनू, अम्मी जाग जाएंगी। चलो। बहुत जोर की भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हारे पेट में तो हमेशा चूहे दौड़ते रहते हैं। जल्दी देखो ना, खाना कहाँ है। अम्मी ने खाना कहाँ रखा होगा? इधर ही रखा होगा। यहाँ। अम्मी, आप यहाँ? वो भी इस वक्त? बेटे घर से गायब होते हैं ना, तो माँ को पता चल जाता है, और बेटे भूखे होते हैं तो भी। आओ खाना खाओ। अम्मी, खाना खाके और भूख लग रही है। इसीलिए तो कहती हूँ वक्त पर खाना खा लिया करो। वैसे तुम दोनों इतनी देर तक थे कहाँ? बाजार में। बावर्ची खाने। अब मतलब अम्मी की बावर्ची खाने का सामान लेने हम लोग बाजार गए थे ना। हाँ, इतनी देर हो गई। अम्मी, रोटी ये ले। चीनू? क्या हुआ चीनू? ये चोट कैसे लगी तुझे? हाँ, अब वो दरवाजे की दुकान पर। हुँ?
ना। अम्मी जिनू को ना कुछ याद ही नहीं रहता, पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता है, कभी दरवाजे से टकराएगा तो कभी दीवार से। चुप करो तुम दोनों, झूठ बोलने में एक दूसरे का साथ दे रहे हो। खाना खत्म करो फिर मैं तुम दोनों को अपना प्यार दिखाती हूँ। इस बार पहले से दर्द में है इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ, अगली बार झूठ बोलोगे ना तो काल गर्म कर दूंगी दोनों के। अम्मी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। चलो अब आराम से सो जाओ, समझे? शुक्रिया अम्मी। चीनों की दुनिया को लोग जादू की दुनिया कहते हैं, लेकिन असली जादू तो इस दुनिया में है, उस प्यार, उस मोहब्बत का जादू जो अम्मी और भाई मुझसे करते हैं। मैं इस दुनिया का सबसे किस्मत वाला चीन हूं। नकचड़ी भी ख्वाब दिखा के पता नहीं कहां गायब हो गई। नकचड़ी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे शहजादी यास्मीन से मिलवाएगी, लेकिन उसकी नौकरी का वक्त बदल गया, अब मैं उसे कैसे मिलूंगा? अफरोज, खाना तैयार हुआ क्या? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ये किसी को रोकने का क्या तरीका है? क्यों रोका हमें? तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों रोका? तुम मुझे किसी से मिलवाने वाली थी। अनदेखी अनजानी सी पतली सी दीवानी सी, जाने वो कहां होगी रे। ये कौन सा गाना है? है तभी, और एक दिन बनेगा जरूर। अच्छा, तो मेरी बिल्ली मेरे से ही म्याऊं? तुमने हमें बिल्ली कहकर अच्छा नहीं किया काले चोर, अब हम नाराज हो गए तो रास्ता तो तुम्हारे ही काटेंगे ना। गंदा है, तो मजाक कर रहा था। तुम्हें पता है, तुम तो ना इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो, सबसे प्यारी दोस्त हो। हाँ, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे शहजादी यास्मीन से मिलवाओगी, है ना? ये लो, खाओ खाओ, मिलवाओगी ना? नहीं, आज शहजादी यास्मीन कुछ नौकरों की वजह से बहुत गुस्से में, तुम किसी और दिलाना, ठीक है? कभी और, ठीक है काले चोर? नौकरों की वजह से शहजादी यास्मीन गुस्से में है तो वो नौकरों से मिल नहीं सकती? काश मैं और शहजादी शाही बाग में सैर कर रहे होते, वो नजरें छुपाती और मैं उन्हें देखता, मैं उनसे नजरें छुड़ाता और वो मुझे देखती। एक शहजादी के साथ कैसे पेश आना है ये भी एक शहजादी को सिखाना पड़ेगा। पिटके तुम, आज तो अलादीन तो सूली पे चढ़ेगा। महल के कायदे नहीं जानते तो महल की नौकरी छोड़कर भीख मांगने की आदत डाल लो। माफ कीजिएगा शहजादी, जी।
ढूंढ रहा था वो मेरा इंतजार शाही पार्क में कर रही है। हम ये लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर महल में नौकरी करनी है तो महल के कायदों को घोट कर पीना होगा। हम तुम्हें 3 दिन की मोहलत देते हैं। अगर 3 दिन में तुम्हें बात समझ आई तो ठीक, और अगर नहीं आई तो इन्हें नौकरी से निकाल देना। इसे कहते हैं महल में रहने वालों का रुतबा। ऐसे आज शहजादी वाकई में बहुत गुस्से में लग रही है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें देख के रहूंगा ताकि नकचड़ी को भी तो पता चले। शहजादी से मिलने के लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। शहजादी ना सोचा था शहजादी तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। कौन है ये बदतमीज? या अल्लाह, काला चोर मेहर के कदमों में। तुमने क्या किया काले चोर? बिना इजाजत शहजादी का दीदार करने की गुस्ताखी की है। हाँ,
चोर को बचाना होगा। लेकिन अगर महल के सामने गए तो उसे हमारी असली पहचान पता चल जाएगी। इतने निकम्मे होंगे तो लोग गुस्ताखी करने पर उतर ही आएंगे। इसे इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए। बिना इजाजत शहजादी के सामने आने के लिए इसके नाक और कान काट दिए जाएं। मेरे तुम क्या कर रहे हो? पागल हमारा दोस्त है। सुना नहीं तुम लोगों ने क्या कहा मैंने? इसे गिरफ्तार कर लो।